इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों के बीच में यहां पधारे हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण डॉक्टर प्रेम कुमार जी, नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, सुरेश शर्मा जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार श्री अजय निषाद जी, वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती वीणा देवी जी, सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार श्री सुनील कुमार पिंटू जी, प्रदेश जनता दल यू के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी, यहां पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और एनडीए के तीनों घटक दलों के सभी यहां उपस्थित सम्मानित साथी और नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गर्मी के इस मौसम में धूप को झेलते हुए आप प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं इस देश में जो माननीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व में विकास का काम किया, देश की इज्जत बढ़ी है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और जिस तरह से आतंकी घटनाओं के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने तत्काल और सुदृढ़ कार्रवाई की है, उसको लेकर देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है, हर हिंदुस्तानी का मन बुलंद हुआ है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बिहार में आए हैं और उन्होंने देश के लिए जो काम किया, खास करके गरीब गुरबा परिवार के लिए जो काम किया, जो महिलाओं के लिए, गरीब परिवार की महिलाओं के लिए जो एलपीजी कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को इलाज के लिए जो एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए देने की योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी, और अभी सबसे हाल में किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत की है, देश के हर किसान को 6000 रुपए एक साल में मदद करेंगे, और कृषि के क्षेत्र में यह सबसे मदद पहुंचाने वाली ये नीति है। किसान खेती करता है, सारे किसान देश के कर्ज नहीं लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्ज माफी करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, लेकिन यह सभी किसानों को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। हर किसान जो खेती करता है उसको खेती करने के लिए अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, अपना पैसा लगाना पड़ता है, और अगर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक किसान को साल भर में अगर सहायता दे दी जाएगी, मदद दे दी जाएगी, तो किसान का जो खर्च होता है खेती में उसमें कमी आएगी और स्वाभाविक तौर पर जो खेती से उसकी आमदनी होती है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और एक एक काम, और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी आपने जो काम किया है, आज तो सब हम सब लोग आपको सुनने आए हैं, इसलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन एक काम जो बिहार में आपने कर दिया, सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृत किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों का तो लक्ष्य है, हम लोग हर हालत में, आपने 13 साल से मौका दिया है काम करने का, हम लोगों का लक्ष्य है
कानून का राज कायम रखेंगे और दूसरी तरफ न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और हम लोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की है, सबको मिलाकर चलते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों के खिलाफ हैं उनको काम से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब काम से नहीं है। वो हमेशा समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं और वो इसलिए करना चाहते हैं कट्टा पैदा करना कि अगर समाज में कट्टा पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, तो बिना कोई काम किए उसका एक हिस्सा साथ देगा। और हम लोग काम के आधार पर आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार ने आपकी सेवा की है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और राज्य सरकार में हम लोग जो काम कर रहे हैं आपकी सेवा कर रहे हैं, और सब लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और दूसरी तरफ जो लोग आ रहे हैं उनका क्या मतलब है? राजनीति में कुछ लोग आना चाहते हैं सेवा के लिए नहीं, सत्ता में आ जाएं, धन कमाएं। बापू ने, राष्ट्रपिता ने कहा है 7 सामाजिक पाप, और उस सामाजिक पाप में एक पाप है काम के बिना धन। अगर धन कमाना है, धन कमाना है तो मेहनत करो, काम करो, तब धन कमाओ। और बिना काम किए धन कमाते हो, यानी सत्ता की कुर्सी पर बैठे और माल बनाते हो, धन कमाते हो, तो ये पाप है, और बापू की नजर में सामाजिक पाप है। और हम तो पूरे बिहार के एक एक स्कूल में बापू का कहा हुआ 7 सामाजिक पाप लिखवा रहे हैं, जितने सरकारी हमारे संस्थान हैं सब में लिखवा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को मालूम हो जाए कि क्या क्या करना चाहिए समाज में। और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आपकी सेवा बिहार में कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं देश आगे बढ़े, बिहार का पिछड़ापन दूर हो। तो एकजुट होकर के फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक वोट दीजिए। और यहाँ पर 3 घटक दल है, भाजपा है, कमल छाप है, जनता दल यूनाइटेड है, तीर छाप है, और लोक जनशक्ति पार्टी है, बंगला छाप है। और ऐसा मत समझिएगा कि हमारे तीनों उम्मीदवार कोई एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार तीनों पार्टी के हैं और सब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के उम्मीदवार हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एकजुट होकर सब लोगों को जिताइएगा। और एक बात हम कहेंगे तो भाई, बनाना है ना मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री, देश को आगे बढ़ाना है ना, तो बहुत अच्छा, इसके लिए धन्यवाद। और बहने बैठी हुई हैं, देखिए हम लोगों ने बिहार में आपकी नर नारी समानता के लिए जितना काम किया है ये आप सबको मालूम, सबको मालूम। हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे, ये जो मतदान का दिन है 6 मई को, उस दिन सवेरे तैयार होकर के, खाना बनाने में मत लगिएगा, सवेरे तैयार होकर के पहले वोट डाल दीजिए, तब आकर के खाना बनाइए, खाना खाइए, पहले मतदान तब जलपान। और दूसरा अनुरोध है कि आप वोट डाल के आइए, खाना बनाइए और खाइए, और घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डालकर आवे तो उनको भर पेट प्रेम से खाना खिलाइए,